सारिया संगत गज बज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सारे रल मिल के गज बज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। गुरु साहब ने महान बख्शिश की है, तरस किया है। अज छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक दाता मुंडी छोड़ गुरु हरगोबिंद साहब जी दे प्रकाश गुरपुरब के संबंध में सारी कमेटी ने उदम किया है, संगतां का भरपूर सहयोग है। रात दे विशेष दीवान सजाए ने, वड्डे भाग होण तां सत्संग दीआं कड़ियां नसीब होंदियां ने। बाबा जी दे बचन ने आखदे सन तके मिल जाणगे गल्लां मिल जाणगियां, गुरु नानक दी बख्शिश तों बिना संगत दीआं कड़ियां नहीं मिलदियां। जदों संगत दीआं कड़ियां नसीब हो जाण उदों समझ लई कि अज मेरा गुरु नानक मेरे ते टुट्ठा है। रब टुट्ठे दी इह निशानी संतां संग विहावै, रब रुठे दी इह निशानी साकत पुरश मत्थे लग जावे। जदों कोई टुटिया होया मिल पवे, साकत बंदा मिल पवे, जिन्हें दो दो घंटे निंदा कीती तेरे नाल, अपने सुवास भी रोले ने नाले तेरे भी रोले ने, उदों समझ लई कि अज गुरु नानक नाराज है तेरे। ये घड़ियां भागा नाल मिलदियां ने, थोड़ा चाह बन सके महसूस करो। आले दुआले सुरत नूं घुमाओ, जड़े नेड़े नेड़े इलाके ने, सारा तिलक नगर एक बारी सुरत नाल घूम के आओ। जेल रोड, फतेह नगर, रजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, नेड़े नेड़े जिन्ने भी ने, एक बारी सुरत नूं सारे पासे घुमा के आओ। किन्ने हस्पताल ने इस वेले, किन्ने रोगी ने जिहड़े हस्पतालां दे बैड्डां विच पए हाए हाए करदे ने। इन्हां चीज़ां नूं वेखांगे तां थोड़ा संगत विच बैठण दा चा वध सकेगा। मेरे ते केड़ा तरस कीता है तू गरीब निवास, सानू संगत विच आवाज मार के लैके आए हैं। ये उहदी बख्शिश नाल ही आए। कोई बंदा कहे मैं आया, इश्तिहार ते कईयां ने पढ़िया होना है, अनाउंसमेंट ते रोज सवेरे शाम होंदी होनी, कईयां ने सुनिया होना। जिन्हों 104 बुखार होया होएगा पिंडे ते, वह किवें आया होए? जे आए भी बैठे हाँ ते उहदी बख्शिश लैके आई। बस हुण अरदास करो कि तेरे वल्लों कोई कमी नहीं, तुसी अपना फर्ज पूरा निभाया गरीब निवाज, सानू तुसी लैके आए हो ते अपनी गोद च बिठाया है, हुण तेरा फर्ज बनता है सिखा, तू अरदास कर जा। सतगुर जिहो जिहा मैनू लैके आए हो उहो जिहा भेजिओ ना, बस फिर कृपा कर देणगे। लाहा लैणा चाहीदा है संगत विच आ के, एक गल भी पल्ले बन जाए ना तो जीवन तब्दील हो जाता है। बहुत वड्डा महत्व है संगत विच आउण। एक मां सी, उहदा पुत्तर सी चोर। 2 मिंट का बचन है, बड़े ध्यान नाल एकाग्रता नाल सुणिओ। वह मां अपने पुत नूं कहिंदी सी, क्योंकि पुत्र चोरियां करदा सी ते सारे स्वार्थ पूरे होंदे सन मां दे। मां नूं इह सी कि चोरियां करदा मेरे स्वार्थ पूरे होंदे ने, मैनूं माया की कमी नहीं आउण दिंदा। ते मां पुत्र नूं पुठी मत दिंदी सी। की दिंदी सी पुठी मत? कहिंदी सी जदों भी सत्संगत दे अगों लंघे ना अपने कन्न बंद कर लिया कर। आखो सतनाम श्री। कहिंदा मां क्यों? मां कहिंदी उह पुठियां गल्लां करदे ने, कदी सीधी गल नहीं करदे। वह इस तरह दियां गल्लां करदे ने जिहड़ियां सीधा नरकां नूं खटदियां ने। आखो सतनाम श्री। देखो मां होके पुत नूं पुठी मत दे रही। इत्थे पुरवले कर्म चंगे होण, किते मां भी चंगी मिल जे माता गंगा वर्गी, जिहड़ी जमदियां पुत नूं इहो जिहियां आसीसां दे रही है। पुत्तर जी तुहानूं इक निमख जिन्ना मात्र भी गुरु नानक ना विसरे। आखो सतनाम श्री। किते पुत मां नूं जोड़ दिंदे है, किते मां पुत नूं जोड़ दिंदी। रब कारण बनाउंदा है, कोई वसीला बना के जोड़ सकता है। ते अरदास भी करनी चाहीदी है
मैनू ओही मिलन सच्चे पातशाह जिन्हां नूं मिल के मेरा तेरे नाल प्यार वध सके। क्योंकि जिंदगी बड़ी महंगी है, सौखी मिली नहीं, 184 भरमते हां दुर्लभ जन्म पाए होए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए होए। हुण नहीं 84 दा गेड़ कट के आया तां मनुखा जन्म मिलिया, तां तैनूं इह मनुखा जन्म मिलिया। ते खोजियां ने खोज कीती है 84 दा गेड़ कट्टण लग्गिया ना 7 अरब साल लग जांदे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। इह खोजियां ने खोज कीती, इस करके लाहा लेना चाहिए। ते पुत कहिंदा ठीक है मां, उन्हें जदों भी चोरियां करन जाना ना, जिथे किते संगत होनी, जदों संगत दे अगों लंघना ते कन्न बंद कर लेने, क्योंकि मां दी प्रेरणा सी। कोई उन्हां दी गल सुन ना लई, पुठी मत दिंदे ने, फालतू दीआं गल्लां करदे ने, उन्हां दी गल सुन के बंदा नरकां दा भागी बन जांदा। इस करके पुत्रा जदों संगत दे अगों लंघे कन्न बंद कर लिया गा। साध संगत वेखो रब ने कारण बनाने होंगे ने, जो किसी को जोड़ना है ना तो कोई कारण बना देना। कोई गणका दे तरण की उम्मीद नहीं सी, कारण बनाया, बस एक साधु महात्मा आ गए, तोते का कारण बन गया, तोते नू राम राम जपाउंदी तर गई। रब ने कारण बनाना है, जे किसी को जोड़ना है तो कोई कारण बना देना है। इस करके बंदे बंदे दे तरले ना पाया करो। गुरबाणी कहती है रे मन तांको त्याईए सब विद जाके हाथ। कोई बंदा तेरे आखे नहीं लगता, कोई तेरी गल नहीं मनता, तू बंदे दे तरले ना पा, उहदे तरले पा जिहड़ा सारिआं दे हिरदे च बह के काम करदा वे, आपे मत बदला दे। अजामल दे तरण की उम्मीद नहीं सी, अजामल दे तरण की उम्मीद नहीं सी, पाप कर करके बहुत पापी हो चुके हैं। बस सतवां पुत्र जदों पैदा होने वाला सी ते महापुरशां दी संगत हुई, उह उहनां दे अगे टह पिया। महापुरश कहिंदे कोई गल नहीं, जदों सतवां पुत्र जन्म लै ले ते साडे कोल लै आई। बस उह पुत्र दा नां नारायण रखता महापुरखां ने। नारायण नां ते पुत्र दा सी, पर इन्ना प्यार पै गया कि इन्नियां अंदरों आवाजां निकलदियां सन, नां पुत्र दा लैंदा सी, पहुंचदी उस नारायण कोल सी आवाज। तर गए रब ने जदों किसी नूं तारना, कोई कारण बना सकता है, उहदे कोल तारण दे बहुत वसीले ने। वह तारना चाहे उहदे कोल बेअंत कारण ने, कोई कारण बना के तार सकता है, पर साडे कोल तरन दा इको एक वसीला, असीं रो पईए बस। साडे कोल तरन दा होर कोई वसीला नहीं, असीं रो सकते हाँ बस। अंदरों रोईए, अंदरों धी पुत्रां पिछे रोने, रिश्तेदारां पिछे रोने पिटदे आ, सारी जिंदगी लंघ गई साडी। कदी घर दे सुखां पिछे रोए आके, कदी कारोबार पिछे रोए, कदी रिश्तेदारां पिछे रोने आ, पता नहीं केड़ियां केड़ियां गल्लां पिछे रोने। कदी उहदे प्यार दे पिछे भी रोना सिख जा, तेरे सारे रोने मुक जाने। दो अथरू भी केर देंगा ना उहदे प्यार विच, उह भी अरदास बन के पहुंच जाणगे, तेरी जिंदगी च बहारा आ जाएगी। अरदास करनी चाहिए थी, अरदास पहुंच जाती। साध संगत जी उहदे कोल तारण दे भाने बड़े ने, साडे कोल तरण दी बस इको ही बेदह के असी रो पईए। एक बारी अंदरों कह दईए पिछले उगुण बख्श ले प्रभ आगे, अगे ड्यूटियां उहदियां। देखो हुण अज जा रहा सी चोरी करन वास्ते, जदों संगत दा बुआ आया ना, जदों अगों लंघन लग्गिया ते पैर ते कंडा चुभ गए। रब ने देखो हुण कारण बनाना सी, जोड़ना सी, इहदे पैर च चुभ गया कंडा, ते जिहड़े हत्थां नाल कन्न बंद कीते होए सी, कन्नां तों हत्थ हटाया इक मिंट वास्ते, बस इक मिंट वास्ते कन्नां तों हत्थ उठाया ते पैर तों कंडा कढ़न लग पए। बस इन्नी देर च अंदरों एक गाले दे कान च पै गई, जिहड़े देवते होंदे आ ना, देवते देवियां देवते होंदे ने, उहनां दा परछावां नहीं होंदा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। इन्नी गल इहने सुन लई, बस फिर कन्न बंद कर। थोड़े दिन बीते, राजे दे महल च इहने डाका मारिया ते चोरी होई ते रोला पै गया।
ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਆਪੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਕਵਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੌ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਏ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਓ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖਿੰਡ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਆਓ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਪੋ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਗਲੇ ਛੂ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਗਲ ਈਸ਼ੂ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਗਲ ਈਸ਼ੂ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀਓ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜੀਓ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਖਰੇ ਆਇਆ ਦੂਤੇ ਹਿਦੈਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਵਾਰਿਆ ਸਾਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਬਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ ਕਾਰਜ ਸਤਗੁਰ ਆਪ ਸੰਵਾਰਿਆ ਵੱਡੀ ਆਰ ਜਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਵਣ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਧਾਰਿਆ ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਧਾਰਿਆ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ ਨਸ ਵਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਖਰਿਆ ਦੂਤੇ ਗੇ ਦਹਿਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜਮਿਆ
ਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ ਉਧਰੇ ਮਾਂਗੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾ ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਟ ਅਸਮ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਲਕਾ ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮਿਟਿਆ ਸੌਗ ਮਾਨੰਦ ਥੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਸਾਖ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੇ ਵਧੀ ਵੇਲ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵਲਾਇਆ ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣ ਗੁਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਗੀ ਬਾ ਗੁਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਗੀ ਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਸਾਰੇ ਜਬੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਬੋ ਬਾਏ 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 ਬਾ
जुड़ जाओ सारे वाहे हर गोविंद नाम
सभा मन की जानी हो जाना
धरया तर्पण खुदाए गरीब निवार दिन रहन ते आए, 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 नानक को खुद खसम मेहरवान, हल्लो न विसरे दिल जी प्राण, हल्लो न विसरे दिल जी प्राण, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, I do.
अज बधाइयां जिथे सारियां संगतां नूं हर एक गुरु नानक नाम लेवा नूं उत्थे कोटान कोट वधाइयां धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी धन धन माता गंगा जी नूं वधाइयां जिन्हां दे ग्रह विखे छेवें पातशाह दा आगमन होए उस थां नूं भी असीं मत्था टेकदे हां गुरु की वडाली जिला अमृतसर साहब उत्थे तां कण कण पवित्र हो गए सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा से जंत भई हरियावले जिनी मेरा सतगुरु देखे तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया गुरु नू भी वधाइया छेवें पातशाह नू तन तन गुरु जिन नाम अराते ते ना प्रताप वदया आप तरिया जिनी दिठा तिना लेश हर सतगुरु मेलो दया कर जन नानक तोवें सत्संग बहुत सिख्यावां सानू गुरु दे इतिहास विचों मिलदियां ने जदों गुरपुरब मनाईए ते निशाना यह होना चाहिए कि साडे लई जीवन की सेध की मिली हर साल तो गुरपुरब ही मनाया इतिहास विचों जे कोई सिद्धांत अपने जीवन ते लागू ना किते फिर तेरे गुरपुरब मनाए नूं की करी चाहिदा है ना जे गुरु की गल करिए गुरु के इतिहास की गल करिए ते अपने जीवन लई कोई ना कोई सेध जरूर लई जीवन का भला होना चाहिदा है ना जीवन तरक्की वल जाना चाहिदा है जे सत्संगत कर रहे हैं हाजरियां भर रहे हैं जीवन की तरक्की नहीं हो रही तो वेखना चाहिए बंदा हुण कारोबार सैट करता है लखां रुपए पाउंदा है कारोबार च जे कारोबार सैट ना हो तरक्की ना हो ते फिर सोच विचार करता ही है ना कि नुकस है ही है लखां रुपए भी लाए ने दुकान भी खरीदी है गल की कारोबार वधदा क्यों नहीं लाभ क्यों नहीं हो रहा घाटे क्यों बही जा रहे इसे तरह जो संगत करो तो जरूर विचारिया करो कि आप खटके की आए तरक्की हो रही है कि नहीं जिथे 20 साल पहले खड़े सां अज भी कितने उते ते नहीं खड़े हुए फिर ज्यों ज्यों आप विचारांगे ना इस गल नूं साध संगत फिर कृपा होनी शुरू होई होंदी है बख्शिश क्यों नहीं होंदी रोले तो संकोच करो भाई आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी क्योंकि हर जस चलते बात चलावे सो तनखाइया एकाग्रता का विषय है जिनी एकाग्रता बनाओगे उन्नी गल खुब जाती अंदर हाईवे रोडां ते गड्डी चलाउंदे हो ना बोर्ड लगे होंदे ने सावधानी हटी दुर्घटना घटी बहुत औखा बस आउंदा है बहुत औखा बस आउंदा मन बहुत औखा ते इस तरह का बस माहौल बनना चाहिए कि कन्ना नूं कटोरे बना के गल सुनो जिवें मैं रमता विच बेनती कीती है संगत विच आ के एक गल भी तेरी जिंदगी बदल सकती एक गल भी गुरमत दी होवे गुरमत तो बार ना होवे एक गल भी गुरमत दी होवे
तेरे जीवन नू तब्दील करन दी समर्था रख दी। सारे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी के पासे रही, एक ओंकार तो लेके 18-10-20 तक दी गल नहीं। गुरु साहब ते कहंदे किनका एक जिस जीव साहब है ताकि महिमा गनी ना। पता नहीं किन्ने अखंड पाठ कर छड़े असीं, किन्ने सहज पाठां दे भोग पा ले ने, पर गुरु साहब ते कहंदे किनका भी जे वसिया होंदा ते तेरी जिंदगी च बहारां आई होंदी। क्यों नहीं आईया? 20 साल पहले भी सुके सी, अज भी सुके दे सुके ही। अरदास करनी चाहिए है फिर, मालक जी मेहर करो साढ़े ते बख्शिश करो, भावना इन्नी उच्ची रखो, लगे रहिए बस, एक दिन कृपा जरूर होंगी। एक मुसलमान फकीर सी, तस्बी हर वेले हाथ च रखता सी माला। मुसलमान धर्म च माला नू तस्बी कहिंदे, तस्बी हर वेले माला फेरदा सी। मैं दा जीवन पढ़िया ते इस मुसलमान फकीर ने इन्नी माला फेरी, इन्नी वार अल्लाह दा जाप कीता, माला फेर फेर के, तस्बी फेर फेर के, दिया उंगलां किस गई, किन्नी फेरी होएगी तुसीं सोचो। इन्नी तस्बी फेरी के इस मुसलमान दिया उंगलां किस गई। दूसरी गल लिखी सी, इस मुसलमान ने इन्ने मत्थे टेके दा मत्था भी किस गया। एक दिन एक बंदा आया, नास्तक जा, कट्टड़ बंदा, इन्हां तो बचा के रखे महाराज। उन्हें आके बताया की क्या कहंदे, ओ गल सुन फकीरा, मेरी अन्ना लाल गल होई है, मेरी अल्लाह नाल गल होई है। वो मुसलमान फकीर कहंदा, दस की गल होई? वो कट्टड़ बंदा कहंदा फकीर नू, कहंदे तेरी एक माला फेरी, तेरा एक मत्था टेकया, अल्लाह ने परवाह नहीं कीता। साढ़े वर्गा होवे ना 40 दिन कोई चलिया ही कट लवे, गल पूरी ना होवे, मांग पूरी ना हुई, वेखो किन्ने बूवे बदलदे आ सी। 3 दिन घर अखंड पाठ कराइए ना, असी इन्ने काले हाँ, असी चाहुंदे हाँ जिस दिन अखंड पाठ का भोग पे साढ़े दुखां का भी भोग पैना चाहिए। जे नहीं तो होर घर बतेरे ने, जिथे कोई उथे चले जाण, इत्थे टिके रहण दा मार्ग है। कबीर केसो केसो कूकीए, ना सोईए आसार, रात दिवस के कूक ने कबो के सुने। एक दिन ते कृपा होए, एक दिन तेरी फैल चुके जरूर वेखणगे 6वें पातशाह, फिर काटे मार देणगे आपदे। लगे रहना चाहिए। ओ मुसलमान फकीर दे मत्थे ते रत्ती भर भी वट नहीं, क्योंकि शरदा का हड़ आया होया सी। तन्ने नू भी लोकां ने बड़ा कुछ आख्या सी, तन्नेया पत्थर नहीं सुनता फरियाद किसे की। वह पत्थरां नू मत्थे टेकी जाना, तन्नेया पत्थर नू भोग लाई जाना, मेणा मारिया किसे ने, तन्नेया पत्थर नहीं सुनता फरियाद किसे की। फिर धन्ने वाला गुण लियायो जीवन च, जे लगे रहना चाहते हो ना, जे झोली भरवाना चाहते हो। धन्ना कहंदा गल सुनो, ये मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसे की। असी भी लगे हाँ, एक दिन ते कृपा करेगा जो, पिरथी नहीं जाती। मैं कई बार कह, जाते जाते एक भांडा भी मान जाएगा ना संगत का, एक झूठा भांडा भी मान जाएगा, तू मान के भुल जाएगा, सतगुरु नहीं भुलणगे। लिख लैणगे फलाने समय इस नेक भांडा मांझिया सी संगत दा झूठा, उहदा फल भी तेरी झोली च पाउणगे। तू कोई फल दी इच्छा रख के सेवा नहीं करनी, जांदे जांदे जोड़ा भी साफ कर जा संगत दा, तू साफ करके भुल जाएगा, सतगुरु लिख लैणगे। बड़े समय बणदे ने सड़कां ते तुरदे फिरदे आ, कई वारी कहिंदे नहीं असीं अज मरदे मरदे बचे, पता नहीं किवें बच गए। तू सेवा करके भुल गया सी, तू भांडे मांझ के भुल गया सी, तू जोड़े झाड़ के भुल गया सी, तू किसे दा भला करके भुल गया सी, पर सतगुरु नहीं सी भुले। वो चीजां खलो जांदियां, वड्डियां वड्डियां तकलीफां छोटियां छोटियां हो जांदियां। संगत करन वालियां दी गुरु इन्नी फिक्र करदा है। जिवें मां दा बच्चा छोटा होवे ना, महीने का 15 दिन का 10 दिन का, एक सां छोटा बच्चा औखा लवे ना, तो मां छाती ते हाथ रख के वेखदी, मेरा बच्चा औखा क्यों सां ले रहे,
गुरबाणी च ऐसा लिखे है भगत जना के सास निहार है। जिमें मां अपने निकले बच्चे का एक एक श्वास का ख्याल रख दी है ना, एवें गुरु अपने सिख का, एवें रब अपने प्यारियां भगतां दा एक एक सां दा फिकर करता है। इन्नी फिकर करता है, इन्नी फिकर करता है। सात संगत वड्डियां वड्डियां तकलीफां छोटियां छोटियां होके रह जांदियां। सूली का सूल बन जांदा है संगत करन वालियां दा। जे अत दी श्रद्धा होवे संगत करन विच गुरु घर की सेवा करन च, ओ सूली दा सूल भी नहीं रहन देंदा। कई बारी सुपनियां च वड्डियां वड्डियां तकलीफां विखा के कट दिंदे। सुपना ऐसा विखा देगा, एक बारी बंदा पसीनो पसीनो होके उठेगा, एक ही हो गए मैं सुपने च की वेख रहा सी। फिर जदों सियाने गुरमुखां दा नाल मेल करेगा, पुछेगा ना, दसेगा इस तरह मैनू सुपना आया। पोचे हुए दसदे ने आ कुछ तेरे नाल होना सी परतख। तू संगत करदा है ना दिने रात, गुरु गुरु करदा है ना, बस गुरु ने वह चीज तेरे ते परतख नहीं आन दिती, सुपने च ही विखा के कटता तेरा कष्ट। इन्ना फर्क पै जांदा, बड़ा बहुत फिक्र करदा। ये चीज वेखनी होए चमकौर की गड़ी वल वेखो, वड्डे पुत्रां दीयां लाशां पईयां ने, उन्हां ते कफन नहीं पाया गुरु गोबिंद सिंह ने। उदों भी सिखां नाल प्यार करदे ने। दया सिंह नूं कहिंदे, दया सिंह मौत दीयां तंदियां ना पा, जे पाउणा इन्हां ते फिर इन्हां सिंघां ते भी पा जिहड़े बिना तनखावां तों मेरे नाल रहे ने। ये मैनूं पुत्तां तों भी ज्यादा प्यारे ने, बहुत प्यार करदे। इच्छा ना रख के सेवा करिए, कामना तो रहत होके सेवा करो। ये ना वेखो कि सानू सरोपे मिलणगे नहीं मिलणगे, ये ना वेखो साडे नां दे डंके वज्जणगे नहीं वज्जणगे। कोई तेनू सत्कार दवे ना दवे, कोई तेनू माण दवे ना दवे, तू लग्या रह, एक दिन ये सच्ची सरकार तेनू इन्ना माण देगी, इन्ना सत्कार देगी, तेरे कोल संभालिया नहीं जाणा। इन्ना सर उच्चा कर दिंदा बंदा अक जांदा, महाराज की करदे हो, जिहड़ा मिलदा गोडे हाथ लाई जांदा, जिहड़ा मिलदा सत्कार करी जांदा। बंदा कई वारी सत्कार तो ही दुखी हो जांदा ते घरों निकलण लग्या अरदास करदा, महाराज मेरे गोडे हाथ ना लवायो किसे दे, सब तुहाडियां वडियाईयां ने, बस मेरा ते कोई ना भी ना जाने। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਣ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅੱਜ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਵਰਤਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਸਵੀ ਫੇਰੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ, ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਕੋ, ਨਾ ਥੱਕੋ, ਨਾ ਚੱਕੋ। ਅੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ,
मैनू वड़ियाई नहीं दिती जी, मेरा नाम नहीं लेके बुलाया, मेरा नाम नहीं अनाउंस किया, इसे गल तो परे हो जाते। कई थक जाते शरीर ते थकते, कोई गल नहीं, दो घंटे तीन घंटे आराम दोगे फिर तंदुरुस्त हो जाएगा। अरदास करो बाबा जी जे तुहाडे लड़ लगे आ तुसी लाया है, शरीर ते थक जे साडा मन ना थक जाएगा जी। मन थक जाएगा फिर ते आलसी हो जाएगा, फिर किवें खैर पेगी झोली। ना चकीए किसी की शर्म ना करो, लगे रहो। लोग बारह बारह घंटे सोलह सोलह घंटे झूठा व्यापार करते ने दुकान ते बह के, उहदे शर्म नहीं करते। तू सच्चा व्यापार करन लग्या क्यों शर्म करदा है? लोग अपने घर दीआं गल्लां तैनू करदिआं शर्म नहीं करते, रिश्तेदारां दीआं बल्ले बल्ले सुणाउंदिआं शर्म नहीं करते। तू किसे नूं गुरु की गल सुणाउण लग्या क्यों शर्म करदा है? कई वारी असीं चक नहीं जांदे, लोग गोल्ड पाउंदिआं नहीं शर्म करदे, तू गुरु दे ककार पाउंदिआं क्यों शर्म करदा है? इन्हां गल्लां तों असीं चक जांदे आ, पता नहीं लोग की कहण। नहीं चकना भी नहीं, थकना भी नहीं, त्यकना भी नहीं, ये अरदास करी। उन्हें सोचा टुट जाएगा फकीर। फकीर कहिंदा ओह गल सुन, मेरा काम सी तस्बी फेरनी, मेरा काम सी मत्था टेकना, प्रवान करना ना करना ये उहदा काम है, उहदे काम च असीं दखल नहीं देंदे। प्रवान कीता है, नहीं कीता ओ जाने, साडा जो काम सी असीं कर चले। आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। शरदा नाल तुसीं अखंड पाठ कराओ, इस गल की इच्छा ना रखो, पता नहीं मेरे दुख कट्टे के नहीं कट्टे, पता नहीं किन्ने कट्टे ने, तेरी अख नहीं वेख सकती, ओदी अख वेख सकती, उन्हें किन्नी कृपा कीती है। तू लग्या रह, लग्या रह। साध संगत, गुरु अर्जन देव जी नूं जदों गुरता गद्दी मिली ना, तीन भरा सन गुरु अर्जन देव जी, वड्डा पृथ्वी चंद सी ते एक महादेव सी, सब तो छोटे सन गुरु अर्जन देव जी। पृथ्वी चंद नूं साड़ा मच गया, गद्दी दा हकदार मैं सी, मैं वड्डा सां, गद्दी इन्हां नूं देती पिता जी, साड़ा मच गया। बड़ा ही बड़ी इरखा कीती पृथ्वी चंद ने, ऐसे ऐसे काम कीते साडे दसण योग ने, दसदिआं वी शर्म आउंदी, इन्ने नीच कर्म कीते पृथ्वी चंद ने कि किसे तरह गुरु अर्जन देव जी तो गद्दी खो लई जाए। पर महाराज ने अपना वो सहज वाला सुभाव नहीं त्यागी। संत ना छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत, वो नहीं छड़दे अपना राह। एक महात्मा सन चेले नाल जा रहे सन, ते एक बिच्छू डुब रहा सी पानी, महात्मा गए ते बिच्छू नूं जदों बाहर कढ़न लगे, बिच्छू ने डंक मारिया महात्मा, उन्हां दे हत्थों छुट गया ते फिर डुबण लग पिया। महापुरखां ने फिर उन्हूं बाहर कढ़न की कोशिश की, उन्हें फिर डंग मारे, फिर छुट गया हत्थों, फिर गोते खाण लग्या, तीजी बार कढ़िया ना, जदों तीजी बार भी बिच्छू ने डंग मारे, चेला औखा जा हो गया। महापुरशों छड्डो इहदा खेड़ा, तुसीं भला करदे हो तुहानूं डंग मारी जांदे। महापुरश कहिंदे जद इह बिच्छू होके अपना सुभाव नहीं छड्दा, असी 84 लाख जून दे सरदार हो के क्यों अपना सुभाव छड़ीए? सत्संग लगे रहना चाहिए, बड़े मिलणगे, गल्लां भी ओही करदे ने जिहड़े आप कदी कुछ नहीं करदे, गल्लां भी ओही करदे ने। इस करके किसे दी परवाह ना करो, सानू तुहानू लोक की छड़नगे, गुरु नानक नूं नहीं छड़िया लोकां ने। तारण आए दुनिया का भला करन वास्ते आए, एक दिन टिके घर नहीं बैठे गुरु नानक साहब, चार उदासियां कीतियां, भला ही भला कीता, टिके किते बैठे ही नहीं, आराम किते कीता ही नहीं, कारदे ही रहे। ऐसे भी लोग सन जिन्हां ने पछाणिया नहीं, उन्होंने वट्टे भी मारे। रात थोड़ा ना छड़ना अपना, महाराज नूं अरदास करिया करो, साडी अडोलता बनी रहे, टुटिए ना सच्चे पातशाह। एक बारी मूल तो टुट गए तो फिर की पल्ले रहेगा? कुछ भी नहीं। गुरु अर्जन देव जी ने अपना सुभाव च फर्क नहीं आण दिता। साध संगत फिर पृथ्वी चंद इस गल नूं ना विचार के शांत हो जांदा सी, कोई नहीं इन्हां दे घर किहड़ी औलाद है, किन्ना चिर बैठणगे गद्दी ते, इन्हां दे जाण तो बाद सब कुछ मेरे पुत्र मेहरबान दा ही है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। साध संगत जरूर विचारिया करी, हर पक्ष तो हर एंगल तो कोई ना कोई सिख्या मिलदी,
गुरु साहब समर्थ सन गुरु अर्जन देव जी मिंट नहीं सी लगता मत बदल सकते पृथ्वी चंद्र जी सब कुछ अपने पिंडे ते तां हंडाया अपने घर की गल भी तेरे अगे रखी सिखा जे तेरे तरह का माहौल बने तू अपना सुभाव ना छड़ी यह सिखिया मिलती वड्डा भरा कर वारी ईरखा कर दे वड्डा भरा वड्डी भरजाई भी दुख देना शुरू कर दे तू अपना सुभाव ना छड़ी लग्या रही ये मेहरबान का भी जदों ना आता ना इन्हें अपनी बाणी उचारण शुरू करती अपनी बाणी उचारदा सी ये कई बार आप जो विआह दे कार्डां च लिखांदे नहीं सतगुर दाते काज रचाया अपनी मेहर कराई दासां कारज आप सवारे ए उस दी वड़ियाई असीं लिखाते छड्डदे आ सानू पता नहीं ये गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नहीं हैगी ये मेहरबान ने उचारी उहदे नाल साडा की लेना देना दसो इतिहासिक स्थान ते गए असीं दिल्ली विच इतिहासिक स्थान ते किसे बच्चे दा रोका सी सूझवान ग्रंथी सूझवान बड़ा चंगा ज्ञान उन्हूं इतिहासक स्थान ते हाजरी भरन वाला रोज दा ताबिआं ते बह के जदों हुक्मनामा लैण लग्या उस तों पहलां उन्हें ये मंगल पढ़िया मैं कहा ते मेहरबान ने उचारण कीता इहदे नाल साडा की वास्ता असीं भी कार्डां ते लिखा छड्डदे आ सानूं पता ते है नहीं अवल ते कार्डां ते बाणी लिखाणी नहीं चाहीदी लिखाणी भी है ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा उल्टा आसरा लो अवल ते लिखाओ ना असीं लोग इन्ने मतलबी हो जांदे आ जदों विआह दी तारीख निकल जांदी है ना ते कार्ड दे चार टोटे करके कूड़े दे डब्बे च सुट दिंदे आ ये भी नहीं पता लगता जिन्हूं कूड़े दे डब्बे च सुटे उहदे ते बाणी लिखी होई उदों भी आपां इह भी भुल जांदे आ कि बाणी दी बेद भी होई लिखाओ ना वो ते अंदर दी भावना पढ़ता है तेरे कार्डा ते लिखे नू नहीं पढ़ के उन्हें जानना तू किन्ना शरदा वाला है कुछ भी ना लिखा इधर लिखिया होना चाहिए इत्थे लिखिया होवे अखां ते लिखिया होवे मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो अलावा कदे किसे नू नहीं तकदा इत्थे लिखिया होवे कन्ना ते मैं अपने गुरु की गल तो अलावा कोई गल नहीं सुनदा ये अंदर का विषय सारा वो अंदर की पट्टी पढ़ता है ते ना ही लिखाइए ते चंगा है जे लिखाउणा भी है ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा आसरा लो जदों कार्ड दा समां निकल जे एक थैला टंग लो 20-25 रुपए दा थैला आउंदा है पाई जाओ संस्कार दे कार्ड मृतक दे कार्ड ब्याह दे कार्ड एक लिफाफे च पाई जाओ थैले च पाई जाओ महीने डेढ़ महीने बाद थैला भर जे उहनूं अगन भेट करके उहदी राख वगदे जल च पा दिओ बाणी दी बेदबी तों बच जाएंगे सात संग असी करना है सरकार होर किन्ने करना ते सात संगत ए मेहरबान पृथ्वीआ कहिंदा सी कोई नहीं इन्हां दे घर केड़ी औलाद ए इन्हां दे घर केड़ी औलाद ए कल नूं गद्दी ते मेरा पुत ही बैठेगा मेहरबान सात संगत फिर करमो ने भी आपस च सलाह करदे सी ये दोनों करमो भी यही गल कहती सी तुसी फिकर क्यों करते हो हर वेले टेंशन च क्यों रेंदे हो गंगा ते हजे औंतरी है इहदे घर किहड़ी औलाद होई इहदे तों भी सिखिया लो विआह नूं कई वारी दो दो तीन तीन चार चार साल हो जांदे ना असीं काले पै जांदे आ बड़ी छेती सारे घर दे फिर सलावां दिंदे ने तुहाडे घर औलाद नहीं होई चार साल हो गए ने विआह नूं तुहानूं पता नहीं तुहाडे ते कीता है किसे ने कुछ कीता है कुछ ते फिर उपा लभदे आ फिर कित्थे जांदे आ जादू टूणिया वालिया कोल जंतरा मंत्रा वालिया कोल पुठियां सलावां देंदे उन्हां कोल तुरे फिरदे आ असी ना उन्हां कोल क्यों जांदे हो तुसीं मनदे हो इस गल दा भरोसा रखो मारे राखै इको आप मानुके किश जे लोग बचा सकदे ते किन्नी तबाही होई है केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहब किन्ने लोग मरे ने ये सारे बाबे उदों किथे सी अपनी भविष्यवाणी क्यों नहीं कीती इन्हां ने क्यों नहीं लड़ कीता इन्हां सारयां ने कि ना जाओ तबाही होण वाली है ना ना प्यारियो जे तेरी चीरी दरगाह च पट गई फिर तेनों कोई बचा नहीं सकता जे हजे मालक ने रखना है ते कोई मार नहीं सकता बस इन्नी गल अपने हिरदे च वसा लै इन्नी गल अपने हिरदे च वसा लै सारे डर मुक जाणगे तेरे ये मुकदे भी उदों ने जदों तक बंदा निर्भो नूं नहीं जपदा निर्भो नूं जपो निर्भो जपै
सगल भो मिटे। जब तक निर्भो नहीं जपता उदो तक डरदा ही रहिंदा गल गल ते बिल्ली रस्ता कट जे। सिख होके कृपान पाईए दाड़ा खुले रोज की हाजरी भरदा नाले नितनेम करदा है। ऐसे मैं देखे ने बिल्ली रस्ता कट जे ते उत्थे खड़े रहिंदे। मैं पूछया मैं क्या सरदार जी की गल अगे क्यों नहीं जाते कहते जाने हुणे। इच एक बंदा होर आ गया वह पार होया कहिंदा हुण मेरा रस्ता साफ हो गया। फिर पता लगी गल कहिंदा वीर जी बिल्ली रस्ता कट गई सी। मैं क्या तू सिंह है सिंह सिंह का मतलब आंदा शेर शेर भी बिल्ली तो डरदा दसो कौन डरदा बिल्ली तो कौन डरदा बिल्ली तो चूहा गात्रा पाया नितनेम करदा सिंह ना दे के लगाया कृपान भी पाईए जे तू बिल्लियां तो डरदा तू शेर नहीं तू चूहा हो सकदे। साडा की वास्ता घरों निकलन लग्या किसी ने छिक मारती ना उत्थे कलेश पा देने मेरा काम नहीं बनना हुण। थोड़ा जा मंदा हो जाए दुकान ते नींबू मिर्चा टंग जाने जेड़ी नींबू मिर्च दो घंटे बाद आप सुक जाती है तेनू हरा कर सकती। सिख होके कड़े कड़े भी पाए हुए ने ते पत्थर दियां मुंदरियां भी पाई फिरदे सी पत्थर तारेगा तेनू पानी च सुट के वेख जेड़ा पत्थर आप डुब जांदा है गोते खांदा तेनू तार सकदा है। तेनू गुरु के सर्व लोह दे कड़े ते भरोसा नहीं तू सिख होके क्यों मुंदरियां पाईया ने जे पाईया ने इहदा मतलब तेरा गुरु ग्रंथ साहिब ते यकीन नहीं हैगा। पत्थर दे सहारे ना रहो जेड़ा पत्थर आप डुबदा है तेनू तार नहीं सकदा। चंगे भले घर बने हुए ने टीवी चे पता नहीं केड़ियां पुठियां सलावां देण वाले करोड़ां रुपया चढ़दा है उहनां दा तां उहनां दी ऐड हुंदी है। वास्तु शास्त्र वाले चंगे भले बनाए हुए घर कई सिखां ने भी तोड़ा छड़े ने। रसोई का मुखड़ा जिहड़ा है ना सूरज वल होना चाहिए। ड्राइंग रूम का मुख इधर होना चाहिए। चंगे भले घर बने ने चंगे भले घर टुटवा के ते उहनां दे हिसाब नाल बना ले हुए ने। की तेरा वास्ता इना तू की वास्ता तेरा साडा कोई वास्ता नहीं। दिन की शुरुआत अमृत वेला संभाल के करो। नितनेम करके जेड़ा सिख दिन की शुरुआत करता है गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करके जेड़ा सिख दिन की शुरुआत करता है मैं गुरु दे भरोसे उहदा कुकर होण दे नाते कहना उस दिन का सारा चंगा मंदा गुरु नानक दे चरणा च चला जाता है। जिथे मर्जी जा फिर दिन की शुरुआत अमृत वेला संभाल के नितनेम करके गुरु के दर्शन करके अरदास करके करो निकल। कदी जमा के वेखी तू बाद चो पोचेगा जिथे जाएगा गुरु नानक पहले पोच के तेरे काम करता हो। भरोसा तो होना चाहिए पत्थर ते भरोसे करते हैं पता नहीं वहमी बनी जा रहे हैं इन्ने वहम पा ले दे किसी का गुरु पत्थर है किसी का गुरु तस्वीर है। सिखा तेरे भाग बड़े वड्डे ने तेरा गुरु ज्ञान है। कोई तेनू पूछे तेरा गुरु कौन है तू कहेगा गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब की ने ज्ञान ने एक ओंकार तो लेके 18 10 20 तक ज्ञान ही ते है। जिदा गुरु ज्ञान होवे ओ ज्ञानी होके फिरे ओ तो वड्डे बंदे भाग नहीं किसे दे। तेरा गुरु ते है ही ज्ञान निरा ज्ञान है। जिदा गुरु ज्ञान होवे ओ ज्ञानी होके फिरे ते फिर बंदे भाग नहीं। तू क्यों पत्थरां दी मुंदरियां पाईयां तू लोकां दी तरवाह तू बिल्लियां तो क्यों डरदा तू लोकां दे अंदरों डर कड तू लोकां नूं पुठे पासे क्यों भेजदा तू बंगला साहिब पे नाले आप जाया कर। इस करके गुरपुरब बनाए सफले तां ने कोई तत्थ दी गल अपने हिरदे च वसाई। साध संगत गुरु अर्जन देव जी अपना सुभाव नहीं छड्डदे करमो भी कहती है तुसी क्यों हर वेले टेंशन च रहिंदे हो इन्हां दे घर किहड़ी औलाद दे गंगा ते अजे उंतरी है। किन्ना समा हो गया घर औलाद नहीं होई असी भी बिल्कुल फिक्र ना करिए लगे रहिए प्यारियो। फिर जादू टोणिया वालियां कोल जाके ना मंगिए किसे ने कुछ नहीं कीता ना ही कोई कर सकदा जे बाणी तो टुटेगा ये सारिया माड़िया चीजा बनिया तेरे वास्ते ने समझ ले। जे बाणी नाल जुड़ के रखेगा बाणी नाल पैरा ला के रखेगा
गुरु के सिद्धांतों अपने घर जगह देगा, ये चीजा तेरे घर के सवा के डब्बे च भी जगह नहीं मिलेगी। जे बाणी तो टुटेगा, नौ नौ बजे सवेरे उठेगा, बाणी पढ़ के शुरुआत नहीं करेगा, संगत नहीं करेगा, यह चीजा कभी भी चमड़ सकदियां ने। असी कही कि होंदिया नहीं हैगियां ने, पर बणिया उन्होंने वास्ते ने जेडे बाणी तो टुटे हुए ने। जियो तपत खै बारो बार तप तप खपै, जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी। इस तरह तड़फेगा जिवें पक्के रोगी नहीं होंदे। कोड़ का रोग बड़ा पक्का होंदा सी उदों, जिवें अजकल कैंसर का रोग है, पुछ लो उहनूं चैन पैंदा इन्नी तड़फ मचदी उहनूं। पक्का रोगी रग रग च जिहदे रोग दुखी करदा है, जिहड़ा बंदा बाणी तों टुट जाएगा इस तरह तड़फना पवेगा। जिवें खेती सड़ जाती है पानी तो बिना, हिरदा सड़ जाता है बाणी तो बिना। सौ बंदे होण, सौ बंदे कट्ठे, मनमुख होण ना सौ बंदे कट्ठे, लड़दे ही रहणगे। जिहड़ा बंदा नितनेम नहीं करता वह कलेशी जरूर होए, क्योंकि अंदर नूं चैन नहीं मिलेगा। अंदर नूं शांति जिन्हें देनी सी उहदे तों नाता तोड़ के रखिया होए। सत्संग सौ बंदे नितनेमी कट्ठे बिठा दिओ, नितनेम रोज करदे होण शर्त यह है, सौ बंदे कट्ठे बैठणगे कट्ठे उठणगे कदी कलेश नहीं होएगा, क्योंकि नितनेम करके सारे शांत ने। गुरमुख जेड़े ने, नितनेमी जेड़े ने, सौ अंदर जिन्हां दे अंदर उतरिया है, जेड़े अंदर बाणी पी के जांदे, अंदर अंदर नूं ताकत दिंदे आ बाणी दे नाल, सौ बंदे कट्ठे बैठे होणगे नितनेमी कदी नहीं लड़नगे, बण आवेगी उहनां दी। पांच बंदे जिहड़े नितनेम तो टुटे ने कट्ठे नहीं बैठ सकते, लड़दे ही रहणगे हर वेले, लड़दे ही रहणगे। जिहड़ा नितनेम नहीं करदा वह कलेशी होए। जिहड़ा बाणी दी चुलियां करी जांदा अंदर नहीं लैंदा, भावें सारा दिन सुखमनी पढ़दा रहे, अंदर नहीं लैके गया, लड़दा ही रहेगा हर किसी नाल, हर किसी नाल कलेश। कोई बंदा फिट ही नहीं आएगा, हर किसी नाल कलेश पाई रखेगा। ये समझ लई, तू सारा दिन सुखमनी जरूर कीती है, चुलियां ही कीतियां ने, पानी नू लेके चुलियां करी जाओ, अंदर ना लेके जाओ, प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी। रोटी दी गराई नू मुख च ही रखो, अंदर ना लंघा के जाओ, भुख मिट जाएगी नहीं मिटेगी। जे बाणी पढ़ते हाँ तो फिर अंदर तक मारन नू कहिए लेके जाइए, फिर तृप्ति होएगी, फिर तृप्ति होएगी। साध संगत फिर जदो ये मेणा मारिया तो गंगा जी ने फिर आके बेनती की गुरु साहब न, सब दियां झोलियां भर दे, साढ़े ते भी कृपा करो, गुरसिखा माण वड्याई देनी सी। ते बाबा बुढ़ा जी वल इशारा, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी उन्होंने जाके करो बेनती। लो साध संगत फिर आप सारे इतिहास तो जाणू हाँ, रथा ते चढ़ के गए, दासियां तो प्रशादे बना के गए, मिट्टी घटा डांदे गए। बाबा बुढ़ा जी ने सिख नूं कहा, कौन आ रहा जी गुरु के महल? बाबा जी कहिंदे गुरु के महलां नूं कीड़ियां भाजणा पैगी। एक ये निशानी सी, मंगता बन के जाना ते फिर माण लैके नहीं जाना। माता गंगा जी कोई ना समझ नहीं सन, गुरु के महल सन, बड़ी सोझी सी उन्हां नूं, अपने पिंडे ते तां हंडाउंदे ने कि साडे वर्गियां नूं रस्ता देना सी, जदों प्यारियां कोल गुरु महापुरखां कोल जाना ते अहंकार नाल नहीं जाना। मां सी ना साडी, मां सी ना साडी, सानूं सिख्या देण वास्ते अपने पिंडे ते हंडा रही है माता गंगा। समझदार सन, गुरु के महल सन, कोई ना समझ नहीं सी। सानूं समझाण वास्ते के मंगता होवे ते माण होवे उहदी झोली कदी नहीं भर सकदी। मंगता की ते माण की, सिख की ते आराम की। जदों गुरु दरबार च आओ ते अहंकार नाल भरे ना हो, फिर झोली नहीं भर सकती। अपने अहुदे, अपनी कोठियां दा माण, अपने अहुदियां दा माण, अपने बैंक बैलेंस गड्डियां दा माण उत्थे रखिया जिथे जोड़े लाए ने। अजय इनकलेब च तेरी हजार गज की कोठी है, तू अरबा दा मालक है, तेरी झोली गुरु ग्रंथ साहिब तो तां भरेगी जे तू इत्थे मंगता बन के आएगा। ये भावना बनाएगा, तू मेनू देण वाला दाता ते मैं तेरे घर दा भिखारी, फिर ते इन्नी कृपा करेगा तेरे कोल संभी नहीं जाए। गंगा रथां ते चढ़ के गए हो, दासियां तो प्रसादे बनवा के गए हो,
कुछ लैन जा रहे हो झोली च खैर पवाउण जा रहे हो ते फिर रथां ते चढ़ के इशारा समझिया फिर साध संगत तुहानू पता है फिर आप पैरे नंगी हथी प्रशादे बना के जदो अद्धे रस्ते च पहुंचे ना ते बाबा बुढ़ा जी भजे ही आए आके फिर रस्ते च ही खलो गए ते कहण लगे मावां नू पुत्रां दी किन्नी फिक्र हुंदी आखो सतनाम श्री एक इशारा सी नीवे पाउण मुरादा उचियां आकड़ वाले टेंदे ने नीवे थां ते जलथल हो जे टिब्बे तां सुके ही रहिंदे ने जिथे निमरता होएगी उथे एक दिन दातां जरूर टिकणगियां बारिश पैंदी है उच्चे उच्चे टिब्बे जिहड़े दिसदे ने सुके रह जांदे ने जिहड़ियां थावां नीवियां ने उहनां ते जलथल हो जांदे भाव की है जिदे अंदर निमरता है सारी गुरु नानक की बख्शिश उत्थे टिक जाएगी जिथे अहंकार है उत्थे कुछ पल्ले नहीं पैंदा निमरता इन्नी जरूरी अरदास करी हो तिस कोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे एक पल दी रखी निमरता बिपता का समा टाल दिंदी एक पल का क्रोध वसे वसाए घर नूं साड़ दिंदा है इस करके निम्रता बड़ी जरूरी है फिर बाबा बुढ़ा जी कहते मावां नूं किन्नी फिक्र होंदी है पुत्रां दी तुहानूं पता सी तुहाडे पुत नूं भुख लगी साध संगत फिर प्रसादा भी छकिया लस्सी का घुड भी भरिया जदों गंडा तली ते रखिया ते फिर जदों भन्निया ते कहण लगे माता जी जिवें गंडा भन्निया है इस तरह का पुत होएगा घर इस तरह का लाल आएगा जिहड़ा जालमां दे सर भन्नेगा आखो सतनाम बाबा बुढ़ा जी ने अरदास की गुरु नानक साहब के चरणा च गुरु नानक साहब के चरणा च वह अरदास प्रवान हुई बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणता साड़ी भी सारी अरदासा प्रवान हो जाएगी जदो गुरु के ग्रंथी नू ए नहीं समझांगे साडे घर दा ग्रंथी असी तनखा देने ए भावना बनाया करो जेड़ा इस ताबियां ते बैठा है इस ताबियां ते कदी ओ बैठा सी गुरु अर्जन देव जी ने चोण कीती सी इत्थे आप भी नहीं बैठे भाई गुरदास जी नू भी नहीं बिठाया होर बड़े कमाई वाले सिख खड़े सन कोल किसे नू बैठन वास्ते नहीं किया इत्थे बाबा बुढ़ा साहब नू बिठाया उन्होंने इत्थे बहन दे लायक तुसी ग्रंथी दी भावें कमाई है के नहीं तेरी श्रद्धा पूरी होनी चाहीदी तू भावना बना के मैं अरदास ओदे तो करा रहा जेड़ा बाबा बुढ़ा जी दे आसन ते बैठा होए तेरी सारी अरदासां पूरियां हो जाणियां ओ भावें ग्रंथी सत्कार दे लायक है के नहीं तू सत्कार पूरा कर तेरी भी झोली खाली नहीं रहे साध संगत फिर गुरु नानक साहब के चरणा च अरदास की समा आया छेवें पातशाह का आगमन होया गुरु की वडाली महाराज गुरु अर्जन साहब उथे उदों छे हरट्टा अज जगह जिहड़ी पिंड बनिया होया उथे बैठे सी सिखां ने आके दसिया वधाइयां दित्तियां महाराज घर लाल आया है कृपा होई है बख्शिश होई है उथे पानी की बड़ी किल्लत सी ते महाराज ने उत्ते खूह लवाया छे हरठां लगियां इको खूह नूं साध संगत अज भी उत्थे वो खूह मौजूद है छे हरठां वाला खूह इको वारी च छे बार पानी कढ़िया जा सकदा इको टाइम च छे हरठां वाला खूह उत्थे लवाया उत्थे लोग फिर मालोमाल हो गए क्योंकि जिहड़ी खेतीबाड़ी सी वो बारिश ते या खूहां ते डिपेंड करती सी पानी की किल्लत मुक गई उत्थे दे जिहड़े किसान सन लोग सन मालोमाल हो गए गुरु अर्जन देव जी का रोम रोम शुकराना करते सी फिर संगतां ने आके कहा महाराज वधाइयां होण ये खुशियां हुण किवें मनाईए ये तो भी सिखिया लो साडे घर औलाद हुंदी है आपां फंक्शन करदे आं ते की करदे आं की करदे आं ढोल वजाओ बैंड बांजे बुलाओ माड़ियां पार्टियां दिओ बच्चे नूं असीसां नहीं मिलदियां बदसीसां मिलदियां ने देखो गुरु की कहिंदा है महाराज जी घर पुत दा आगमन होया किवें मनाईए खुशियां ते गुरु अर्जन देव जी शब्द उचारदे ने सतगुर साचे दिया भेज
चिर जीवन उपजया संजोग उदरे माहे आए किया निवास माता के मन बहुत विगास जमया पूत भगत गोबिंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुरका दसी मासी हुकम बालक जन्म लिया मिट्टिया सोग महा आनंद थी जा पुछ दियो वधाइयां किवें मनाइए खुशियां किवें मनाइए गुरु अर्जन साहब कहंदे गुरबाणी सखी आनंद गावे गुरबाणी दे प्रवाह चलाओ गुरबाणी गा गा के सहब दे शुकराने करो बस यही चीज उन्हां नूं पाउंदी है साचे साहिब कै मन पावे बस जदों आगमन होया छेवें पातशाह दा पृथ्वी चंद ते होर सड़ गया क्योंकि इहनूं इह सी कि इहनां दे घर किहड़ी औलाद है इहनां दे जाण तों बाद गद्दी दा मालक मेरा पुत बणेगा जदों छेवें पातशाह दे आगमन की खबर सुनी ते कोले वर्गा सड़ के सुआह हो गया फिर बड़ियां सकीमां बनाईयां साध संगत वह हरकतां कीतियां वह हरकतां कीतियां कदी ते सपेरे नूं पैसे दिंदा है पैसे लै ते जिस कमरे च बाल हरगोबिंद सौंदे ने यह सप जहरीला उत्थे छड़ दे ते डंग मार देगा ते छेवें पातशाह नूं मारन दे बहुत इन्ने तरीके अपनाए पर जिन्हों रखण वाला आप मालक होवे उहनूं कोई नहीं मार सकदा साध संगत किथे ते फिर दाई नूं कहिंदे ने पैसा देंदे ने पृथ्वी चंद कहिंदे तू छाती ते जहर ला ते दुध चुंगा बाल हर गोबिंद नूं ते उहदी मौत हो जावे ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਦੱਸ ਗਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦਹੀਂ ਲੁਕਾ ਲਈ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਚੱਟੀ ਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੋਪੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਰਵੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੋ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ
गुरु घर के वैद दवाइया पैसा पता नहीं की लैके महाराज लाहौर की धरती से सारे परिवार को लैके गए। तकरीबन एक साल का समा गुरु अर्जन देव साहब उत्थे रहे। माता गंगा जी गुरु अर्जन देव जी छोटी जी अवस्था सी बाल हरगोबिंद जी की सारा परिवार संगत की सेवा च रुझ गया। उत्थे जड़े लोग मरण लगे से उन्होंने बचाया। हर पासे गुरु घर की चर्चा होने लग पई। सो फिर शीतला का रोग जो बाल हरगोबिंद राय इत्थे आए थे उन्होंने भी ताप चढ़ गया। फिर लोग बड़िया पुठियां सलावां देंदे ने जी आ कर लो जी देवी नू मत्था टका लो जी। मर कहंदे नहीं नेत्र प्रकाश किया गुरदेव भरम गए पूरन भई सेव शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभु कृपा तारी। हर तत्ती बात तो जे बच्चे नू बचा सकती है तो बाणी बचा सकती है। बच्चे लई नेम करो कोई ना कोई फिर तत्ती वाह नहीं लगन देंदा गुरु। बच्चे छोटे होण महापुरुष कहंदे सी तेरे घर औलाद होई है दादी माता पिता कोई भी घर दा जी ये ड्यूटी लै लवे एक साल तक एक पाठ सुखमनी साहब दा बच्चे नू सुनाउणा है। बच्चा सुता है खेड रहा है भावे दुध चुंग रहा है एक पाठ सुखमनी साहब दा एक साल लई कोई भी घर दा जी ड्यूटी दे दे वह बच्चा कदी मनमुख नहीं निकल सकता क्योंकि गुरबाणी फिर लाज रख दी। इस करके बाणी की सारी कृपा है। पढ़ो पंक्तियां ते समाप्ति है जमया पूता भगत गोविंद का बोलो जमया पूत भगत गोविंद का सीसा सिरियस के जगत के ईसा भोपन में भोपन श्रेष्ठ गगन मिल पई सब हिन आन बधाई दई आन बधाई दई सब हिन आन बधाई गगन ते भई सब गिन आन बधाई तने तने लोगन केरा दुष्टन दाह गरीब अकल पवन के सिर जन I'm
सब है ना आप बताई झूलते निशान रहे।
जीवे चलायो सब सिखन को गुरु मानियो गुरु मानियो अकाल तख्त अकाल तख्त सिख पंथ दी सिख पंथ दी बोले सोने सारी संगत नो फतेह बुलाउण तो पहला बेनती है हुण अरदास होएगी अरदास में सारे सावधान होवो उस तो बाद हुक्मनामे होणगे फिर महाराज जी निजस्थाना वल प्रस्थान करनगे फिर प्रबंधकां वल्लों बेनती है गुरु का लंगर छके जाण दी कृपालता करनी ते कल नूं जो है वो फरीदाबाद सवेरे प्रोग्राम ने 10 to 11 सत सैक्टर दे गुरद्वारे जे तुहाडे कोई संगी रिश्तेदार मित्र रहिंदे होण उहनां नूं इतला दे सकदे हो कल रात का प्रोग्राम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रताप नगर जेल रोड उत्थे भी संगत दर्शन दवे बाद सीढ़ियां दे स्टाल लगे ने 200-250 नंबर जो भी हुण तक आए ने सीढ़ियां राही भी आप जी लाहा लै सकदे हो आओ बड़े प्यार नाल फतेह बुलाओ उस तो बाद फिर अरदास भी सावधान होइए सारी संगत गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की